आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग फ़ोटो पे कैसे नेम लिखते हैं, हाउ टू राइट नेम ऑन फ़ोटो इन फोटोशॉप। और ये मैं आपको बताऊंगा फोटोशॉप 7.0 के अंदर। तो आप फोटोशॉप का जो भी वर्सन यूज़ कर रहे हैं, आप किसी में भी कर सकते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग फ़ोटो पे नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, फ़िलहाल मेरा फोटोशॉप 7.0 खुला हुआ है। तो सबसे पहले उस फ़ोटो को लेकर आते हैं जिस पर हमें नाम लिखना है। तो यहाँ पर फाइल में जाते हैं, फिर ओपन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओपन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स खुला। अब जिस जगह भी आपने फ़ोटो रखा हुआ है जिसके ऊपर नाम लिखना है, तो उसको उस पर्टिकुलर फोल्डर ड्राइव में जा सकते हैं। यहाँ से मेरा एक देखिए फोल्डर है पासपोर्ट नाम का, उस पर कुछ फ़ोटोज़ हैं। तो मान लेते हैं इस फ़ोटो पर मुझे नेम लिखना है, नाम लिखना है। अब इस फ़ोटो पर क्लिक करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए ये फ़ोटो यहाँ पर आ चुका है। तो फ़ोटो पे डायरेक्टली हम लोग चाहें तो नाम लिख सकते हैं, लेकिन देखिए क्या होता है कि हम लोग अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़ बनाते हैं। पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बनाते हैं, A4 साइज़ का फ़ोटो बनाते हैं, उसके बाद आपका 6x4 का फ़ोटो बनाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का आपको फ़ोटो बनाना है। उस तरह का पहले साइज कर लें फ़ोटो का, उसके बाद आप नाम लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चूंकि देखिए जो बहुत ही कॉमन सा फ़ोटो होता है वो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। तो मान लेते हैं इस फ़ोटो को पहले हम लोग पासपोर्ट साइज़ का करते हैं, उस पर नाम लिख सकते हैं। तो चलिए इस फ़ोटो को पहले पासपोर्ट साइज़ का साइज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद नाम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यहाँ टूल बॉक्स में जाएंगे और ये है क्रॉप टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन बार में कुछ साइज़ यहाँ पे शो कर रहा है। तो चूंकि देखिए मैं यहाँ पे 35 mm का साइज़ मैंने ले रखा है, अदरवाइज़ यहाँ पे डायरेक्टली आप टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद हाइट में 45 mm का साइज़ रखा हुआ है। तो ये है नॉर्मल सा पासपोर्ट साइज़ का साइज़ यहाँ पर ले रखा है, रिजोल्यूशन 300। अब क्या करेंगे, क्रॉप टूल पर तो सिलेक्शन किया हुआ है। अब इस फोटो पर इस तरह से एक सिलेक्शन क्रॉप टूल से बनाएंगे हम लोग। ये देखिए मैं इसका इतना हिस्सा जो है इसको क्रॉप कर दूंगा। अब चूंकि मुझे नीचे का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए जिस पे मैं नेम लिख सकता हूँ, इतना सिलेक्शन कर लिया। अब क्रॉप करने का दो तरीका देखिए, सिंपल तरीका ये है, इस पे दो बार माउस का लेफ्ट क्लिक कीजिएगा तो इतना हिस्सा क्रॉप हो जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ पर इमेज में जाके क्रॉप पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डबल क्लिक इस पर करेंगे। ये मैंने डबल क्लिक किया, फ़ोटो देखिए क्रॉप हो गया। क्रॉप हो जाने के बाद हम लोग ये जो जूम टूल है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन है, अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए इस तरह से फिट ऑन स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ करेंगे इस बटन पे तो फ़ोटो आपको इस तरह से फिट स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाएगा। अब देखिए ये जो हिस्सा है यहाँ पर मुझे नाम लिखना है। अब डायरेक्टली हम लोग चाहें तो इस पर नाम लिख सकते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे, उसके बाद इसके ऊपर नाम लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये नीचे जाते हैं लेयर का पैलेट में और क्रिएट न्यू लेयर का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे, एक नया लेयर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टूल बॉक्स में जाएंगे और ये जो टूल है रेक्टेंगुलर मर्क्यू टूल, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या हम लोग चाहते हैं कि भैया जो कॉर्नर हो थोड़ा सा राउंडेड हो। नॉर्मली अगर हम लोग ऐसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये जो कॉर्नर है तो नोकीला, मतलब उतना अच्छा राउंडेड कॉर्नर नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे वो दिखाता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा स्टाइलिश लगे, अच्छा लगे। तो इसलिए फिर से इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए ऑप्शन बार में फेदर दिया है 5 pixels, इसको हम लोग कर देते हैं, मान लेते हैं 10 pixels कर देते हैं, 10, ठीक है, कर दिया। उसके बाद अगर हम लोग सिलेक्शन करते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ तो देखिए थोड़ा सा आपको राउंडेड दिखेगा। देखिए यहाँ पे राउंडेड दिख रहा है, देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसे सिलेक्शन है कि भैया थोड़ा छोटा लग रहा है, या मान लेते हैं थोड़ा सिलेक्शन को और बड़ा करना है, तो आप यहाँ पर सिलेक्ट पर जाके यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके इसका सिलेक्शन को थोड़ा सा और आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं, ये देखिए, या एरो टूल से भी आप कर सकते हैं, एरो टूल है उसके हिसाब से थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। भैया बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, इधर से भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे यहाँ पे लगा सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, एडजस्ट कर लिया इसको, बड़ा भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि छोटा ही रखिएगा, ये कर दिया। उसके बाद ये जो है जो स्केलिंग किया है इसको फुलफिल करने के लिए यहाँ से जो टिक मार्क दिख रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन हो गया। अब इस पर कलर फिल करेंगे, तो कलर फिल करने के लिए ये सिलेक्शन तो हो चुका है, यहाँ पर क्या करेंगे, जो वाइट यहाँ पर है जो टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, वाइट आ गया। अब यहाँ से ये जो पेन बकेट है इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर देंगे, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से देखिए फिल हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल है, फिल हो गया। अब ये ज़्यादा देखिए जो फिल हुआ, ये फेदर नुमक इसलिए फिल हुआ क्योंकि यहाँ पर मैंने सिलेक्शन किया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेक्ट में जा कर यहाँ से इसको हम लोग डिसलेक्ट कर देंगे, ये देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे टाइप टूल पे क्लिक करेंगे हम लोग और यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए नेम, देखिए एन
एम ई नेम लिखा, यहाँ पे कॉलन दिया, हाइफन दिया, अब जैसे नाम है अंशु कुमार तो ए एन एस एच यू अंशु के यू एम ए आर कुमार कर दिया, तो ये कैपिटल में हो गया, इसको छोटा कर देते हैं, कर दिया। करने के बाद अब इसको यहाँ से है जो ये जो पहला वाला टूल है मूव टूल पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ से बड़ा कर देते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ, कर दिया। अब आप चाहें तो इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये यहाँ से फॉन्ट थोड़ा सा अच्छा लगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये नैरो के बजाय हम लोग इसको कर देते हैं बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दिया जैसे नाम दिखे यहाँ पे, लेकिन काफ़ी बड़ा हो गया फॉन्ट का साइज़, तो थोड़ा सा इसको ड्रैग करके हम लोग इस तरह छोटा कर देंगे, ये देखिए मैंने कर दिया, हो गया। अगर ये भी अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो भाई एक और काम कर सकते हैं, इसको हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से जाके बोल्ड और इटैलिक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे करके हम लोग इसको बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा, देख सकते हैं। अब रहा सवाल ये जो वाइट वाला आपको जो दिख रहा है कि भैया थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लाइट कर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे लेयर पर और यहाँ पर ओपेसिटी है, यहाँ से आप इसको चाहें तो यहाँ से हैंडल से इसका कम कर सकते हैं, ये देखिए जितना ओपेसिटी, तो देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए तो देखने में भी ये अच्छा लगेगा, सिंपल है, इजी है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए दिखाता हूँ मैं आपको और थोड़ा सा इसको मैं कंट्रोल के साथ माइनस किया, ये देखिए देख सकते हैं, ये देखिए सिंपल तरीका है, आप लगा सकते हैं। अगर आपको फेदर अच्छा नहीं लग रहा है तो फेदर कम भी कर सकते हैं, ये जो बॉक्स का शेप है, अब इसका कलर हम चाहते हैं कि नहीं या थोड़ा ब्लूइश कलर का यहाँ पे भी नाम रहे तो अच्छा लगेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे और इस फोटो वाला लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे, ब्लू कलर आ गया, टेक्स्ट को ऐसा सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके इसको हम लोग को ये आसमानी जो कलर है बैकग्राउंड का वो दे देंगे, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये देखिए देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा नहीं लग रहा चलो दूसरा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे ये कलर है इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से क्लिक करके यहाँ से हम लोग इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इस पर भी क्लिक कर देंगे, अब ओके पे क्लिक कर दिया, ये देखिए ये अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे हम लोग फ़ोटो के ऊपर नाम लिखते हैं। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।